हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन रेलवे ट्रेन इन्फॉर्मेशन जोन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे और हमारे आप चैनल से जुड़े रहें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप और कैसी वीडियो देखना चाहते हैं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे 22846 हटिया पुणे सुपर फास्ट एक्सप्रेस के बारे में। यह ट्रेन हफ्ते में 2 दिन चलने वाली ट्रेन है। इसकी ट्रैवल टाइम है 30 घंटे 45 मिनट। यह ट्रेन सोमवार और शुक्रवार की रात को हटिया से रवाना होती है। इसके 17 हॉल्ट्स हैं। यह टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1772 किलोमीटर, जिसकी एवरेज स्पीड है 57 किलोमीटर पर आवर। यह साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा देख रेख की जाती है। 16 नवंबर 2011 को यह ट्रेन चलाई गई थी। इसमें अंजीका वैब 7 लोकोमोटिव यूज़ किया जाता है। इसमें जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, 3rd AC, 2nd AC कोच होते हैं। ये सारे कोच NHB हैं, जो कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। अगर इसका हम फेयर की बात करें जनरल क्लास की, तो जनरल क्लास का फेयर है हटिया से पुणे तक 389 रुपये, स्लीपर क्लास का है 690 रुपये, और 2nd AC का किराया है 2650 रुपये, और 3rd AC का किराया है 1820 रुपये। ये किराया हटिया से पुणे तक का है। यह ट्रेन हटिया से रोज सोमवार और शुक्रवार की रात को 8 बजे रवाना होती है। अगला स्टॉपेज होता है इसका राउरकेला। राउरकेला जंक्शन में यह ट्रेन रात के 10:40 में पहुंच जाती है और 10:50 यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर ट्रेन का स्टॉपेज 10 मिनट का होता है। यहां पर ट्रेन अपनी 164 किलोमीटर की जर्नी कवर कर लेती है। अगला स्टॉपेज होता है झरसुगुड़ा जंक्शन। झरसुगुड़ा जंक्शन में यह ट्रेन रात के 12:18 पर पहुँचती है और 12:20 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन अपनी जर्नी 265 किलोमीटर तय कर लेती है। अगला स्टॉपेज होता है चांपा। चांपा में यह ट्रेन रात के 2:03 पर पहुँचती है और 2:05 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन अपनी 417 किलोमीटर की जर्नी कवर कर लेती है। अगला स्टॉपेज होता है बिलासपुर जंक्शन। बिलासपुर जंक्शन में यह ट्रेन सुबह के 3:15 पर पहुंचती है और 3:30 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज 15 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन अपनी 469 किलोमीटर की जर्नी कवर कर लेती है। अगला स्टॉपेज होता है रायपुर जंक्शन। रायपुर जंक्शन में यह ट्रेन सुबह के 5:10 पर पहुँच जाती है और 5:20 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज 10 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन अपनी 580 किलोमीटर की जर्नी कवर कर लेती है। अगला स्टॉपेज होता है दुर्ग जंक्शन। दुर्ग जंक्शन में यह ट्रेन सुबह के 6:15 पर पहुँचती है और 6:20 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज 5 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन अपनी 617 किलोमीटर की जर्नी कवर कर लेती है। अगला स्टॉपेज होता है राजनंदगांव। राजनंदगांव में यह ट्रेन सुबह के 6:41 पर पहुंचती है और 6:43 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन अपनी 648 किलोमीटर की जर्नी कवर कर लेती है। अगला स्टॉपेज होता है गोंडिया। गोंडिया जंक्शन में यह ट्रेन सुबह के 8:30 पर पहुंचती है और 8:35 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज 5 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन अपनी 752 किलोमीटर की जर्नी कवर कर लेती है। अगला स्टॉपेज होता है नागपुर। नागपुर जंक्शन। नागपुर जंक्शन में यह ट्रेन सुबह के 10:55 पर पहुँचती है और 11:05 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज 10 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन अपनी 882 किलोमीटर की जर्नी कवर कर लेती है। अगला स्टॉपेज होता है वर्धा जंक्शन। वर्धा जंक्शन में यह ट्रेन दोपहर के 12:02 पर पहुँचती है और 12:05 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज 3 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन अपनी 960 किलोमीटर की जर्नी कवर कर लेती है। अगला स्टॉपेज होता है बंधेरा जंक्शन। बंधनेरा जंक्शन। बंधनेरा जंक्शन में यह ट्रेन दोपहर के 1:45 पहुँचती है, 1:50 पर यहाँ से रवाना हो जाती है।
यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज 5 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन 1056 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। अगला स्टेशन होता है अकोला जंक्शन। अकोला जंक्शन में यह ट्रेन 2:40 पर दोपहर को पहुँचती है और 2:45 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज 5 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन अपनी 1135 किलोमीटर की जर्नी तय कर लेती है। अगला स्टॉपेज आता है भुसावल जंक्शन। भुसावल जंक्शन में ट्रेन शाम को 4:35 पहुँचती है और 4:40 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज 5 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन अपनी 1274 किलोमीटर की जर्नी कवर कर लेती है। अगला स्टॉपेज होता है मनमाड़ जंक्शन। मनमाड़ जंक्शन में यह ट्रेन 7:05 पर पहुँचती है, 7:10 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज 5 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन 1458 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। अगला स्टॉपेज होता है कोपरगाँव। कोपरगाँव में यह ट्रेन 8:17 पर पहुँचती है और 8:20 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज 3 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन अपनी 1500 किलोमीटर की जर्नी कवर कर लेती है। अगला स्टॉपेज होता है अहमदनगर। अहमदनगर में यह ट्रेन रात के 10:57 पर पहुँचती है और 11 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज 3 मिनट का होता है। यहाँ पर ट्रेन अपनी 1612 किलोमीटर की जर्नी कवर कर लेती है। अगला स्टेशन होता है डोंड जंक्शन। यहाँ पे इस ट्रेन का लोको रिवर्सल होता है। यहाँ पे ट्रेन रात के 1:05 पहुँचती है और 1:20 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज 15 मिनट का होता है। यहाँ पे ट्रेन 1696 किलोमीटर की जर्नी अपनी कवर कर लेती है। अगला स्टॉपेज होता है पुणे जंक्शन, जो इस ट्रेन का डेस्टिनेशन पॉइंट होता है। यहाँ पर ट्रेन 2:45 पर रात को पहुँचती है। यहाँ से ट्रेन टर्मिनेट हो जाती है, यहाँ से ट्रेन आगे नहीं जाती। यहाँ पर ट्रेन अपनी 1772 किलोमीटर की जर्नी कवर कर लेती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएँ ताकि हमारे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।